यहाँ पे कहते हैं हनी सिंह का घर है। हनी सिंह का घर जी हाँ दोस्तों, आज दिखाता हूँ मैं आपको हनी सिंह का घर। तो दोस्तों आप जो मेरे पीछे ये बिल्डिंग देख रहे हो ना, यहीं पे रहता है दोस्तों हनी सिंह। तो चलो मैं आपको दिखाता हूँ। हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरे न्यू ब्लॉग में। दोस्तों अब आज हम जा रहे हैं मॉर्निंग वॉक पे, बल्कि मेरे दोस्त जो है वो आ चुके हैं, मैं ही लेट हो चुका हूँ। उन्होंने मुझे फ़ोन किया और मैंने अलार्म लगा के सोया था यार, फिर 10 मिनट करते करते 6 बज चुके हैं। 5 बजे अलार्म लगाया था और मैं उठ नहीं पाया। वो लोग उठ के नीचे खड़े हुए हैं और मुझे फ़ोन कर रहे हैं। तो चलिए अब चलते हैं फिर मॉर्निंग वॉक पे, और भी चीज़ें आपको बताते हैं आज के ब्लॉग में। देखते हैं आज क्या क्या होगा, मुझे भी नहीं पता कहाँ कहाँ जाऊँगा और क्या क्या करना है। तो चलिए चलते हैं, बनाते हैं सही से। तो यार मैं आ चुका हूँ, ये देखो मेरे दोस्त यहाँ इंतजार कर रहा था। गुड मॉर्निंग, चलो चलते हैं। यार मैं लेट हो गया आज, इसी ने उठाया मेरे को, आज ज़्यादा लेट हो गए। एक्चुअली हमने लगाया तो था अलार्म, लेकिन उठ नहीं पाए और फिर इसने उठाया जा कर के, वरना तो आज भी राउंड नहीं लगता। 8 बजे उठता है। 8 बजे उठते ना? यस। 8 बजे कौन जाता मॉर्निंग वॉक पे, मेरे को समझ में नहीं आ रहा। सुबह सुबह यार पता है मैं क्यों नहीं उठ पाया? यस। एक्चुअली क्या हुआ कि मैंने अलार्म तो लगाया था 5 बजे का, 5 बजे का लाया अलार्म, बजा भी, लेकिन अलार्म बजा तो क्या हुआ, मैंने कहा यार 10 मिनट बस, 10 मिनट और सो जाता हूँ, उसके बाद जो है तब चलेंगे। 10 मिनट बाद फिर बजा अलार्म, मैंने कहा यार 5 मिनट बस, 5 मिनट और फिर चलते हैं। ऐसे ही करते करते जो है 5 से 6 हो गया, फिर आपने फ़ोन किया। फ़ोन करते ही जब फ़ोन किया तो मैं लगा तब भी सोच रहा था जाओ यार ना जाओ, यार बोल दूँ यार आज नहीं आ रहा, कल से कल तक स्टार्ट। ऐसे ही होता है ना यार, आप लोगों के साथ भी ऐसे ही होता होगा। बिल्कुल। नीचे कमेंट में मेरे को बताना है कि अलार्म लगाने के बाद कितने लोग उठ जाते हैं और कितने लोग सोते हैं। सीरियस होकर कौन उठ जाता है कि आज तो उठा देना मुझे सबको, और खुद सो जाना खुद ही सो जाएगा। सब पार्क में मिलो गाइस, जल्दी जल्दी, हाँ जल्दी आओ जल्दी, और फिर सब पहुंच गए घर से देखने का खिड़की से, फिर स्विच ऑफ करके आज चलो सो जाओ। दुनिया इनके लिए नीचे खड़ी है, ये आराम से घर में सो रहे हैं, क्योंकि ऐसा हमारे एक दोस्त ने आज कर दिया। अब हमें देखना है कि संडे को करता है मोटे। एक बात बता, जब नहीं आना होता फोन उठा के बोल कि नहीं आना, ये तुझे फोन कर रहा है। एक बार उठाओ नहीं, दो बार रिंग जाने के बाद, फिर उसके बाद बंदा काट देता है। मैंने कहा चलो उठ गया, यस अब आएगा। हम खुद आए थोड़ी देर बाद, सोच जाओ जिस व्यक्ति का कॉल कर रहे हैं वो खुद तो सोया हुआ, अपने फोन को भी लेके सोया हुआ। प्लीज उसे दोनों को सुला दिया दोनों को। भाई साहब अलग ही है। तो चलो यार जल्दी जल्दी, अभी बहुत दूर जाना है। आप देख लो गाड़ी पे गाड़ी, वहाँ देख रहे हो आप, इस रोड को भी पार करके और आगे तक जाना है। तो चलो चलते हैं, वहाँ पर मिलते हैं अभी डायरेक्ट पार्क की तरफ। सुबह सुबह सूरज भी निकल गया, अब आप लोगों को दिख रहा है। अभी और चलना है वहाँ तक, उसके बाद आएगा पार्क। एक सोसाइटी भी है यहाँ पे, कहते हैं हनी सिंह का घर है। ये जो सोसाइटी है यहाँ, कहते हैं हनी सिंह का घर है। अब देखो ऊपर हमारा हेलीकॉप्टर उतरेगा तो। आज मज़ा आ गया सुबह उठ के, आज फ्रेश फ्रेश लग रहा है एकदम, बहुत अच्छा लग रहा है आज, फ्रेश फ्रेश फील हो रहा है यार। वरना तो और दिन थोड़ा ऐसा लगता है कि उठो नहाओ दो ब्रश करो निकल जाओ, लेकिन आज अर्ली मॉर्निंग जो हम आए हैं ना वॉकिंग पे, इससे ये तो लग रहा है थोड़ा फ्रेश फ्रेश फील आ रहा है, बहुत अच्छा लगता है। आपसे कंटिन्यू करेंगे, रोज़ एक मॉर्निंग ब्लॉग आया करेगा दोस्तों, है ना। तो यार अभी तक चैनल का सब्सक्राइब नहीं करा तो कुछ कहना चाहूँगा, टिंग सब्सक्राइब कर दो फटाफट। ओके फटाफट कर दो, अच्छी वीडियो मिलती रहेगी। फटाफट भाई ने बोल दिया ना, फटाफट करने का भाई ने बोला तो बोला, करने का सर्किट। तो देख सकते हो गाइस हम इंडिया टीवी तक आ चुके हैं। अब यार बहुत लंबा चलना पड़ रहा है, क्योंकि अच्छे अच्छे पार्क जो हैं वो इतनी ही दूर हैं। तो ये जो इंडिया टीवी है दोस्तों, ये खास पता है किस लिए? चलिए दोस्तों, इसमें जो है ना बड़े बड़े स्टार शाहरुख खान और बड़े बड़े नेता इसमें आते रहते हैं, ठीक है दोस्तों, जिनका इंटरव्यू यहीं पर ही होता है। आपने देखा होगा रजत शर्मा के साथ जो होता है वो यहीं पर ही होता है दोस्तों, है ना। तो इसी इंडिया टीवी के ऑफिस में होता है, और यहाँ पर जो स्टार वगैरह आते हैं उनकी जो एंट्री होती है, वो एंट्री गेट भी दिखा देता हूँ अभी आपको।
हम लोग यार कभी गए तो नहीं है इसमें, लेकिन एक भैया मिले थे, बोल रहे थे ले जाएंगे, फिर वो उसके बाद से मिले नहीं, उसके बाद से वो नज़र नहीं आए, उन्हीं की खोज चालू है अभी तक, मिल जाए तो बताओ। ये तो गोली सब देते, मैं ले चलूँगा, ये ले चलूँगा, मिलाता कोई नहीं, हो सका तो इन फ्यूचर अपने दम पे मिल लेंगे किसी दिन, आपने से बुलावा आएगा, आइए सर, और सब आपके सपोर्ट से होगा तो सब्सक्राइब कर दो ना यार। देखिए ये इसका एंट्रेंस गेट, यहाँ से इसकी एंट्री होती है, जब भी कोई आता है ना, यहाँ रेड कारपेट बिछा दिया जाता है। गार्ड अंकल देख रहे थे अभी, वो कह रहे थे कि इनको कहीं कह ना दे कि अरे सूट कैसे कर रहा है, अरे अंदर आके कर अच्छा था, बाहर से क्यों कर रहा है, मतलब भाई अंदर से कर देंगे तो हमेशा के लिए शूट हो जाएंगे, इसी वजह से हमें एंकरिंग करनी पड़ेगी अंदर, है ना यार। चलो चलते हैं, अभी लगभग पास आ गए हैं, कोने में दिख रहा ना ये वाला, ये पार्क है, कुछ हम जो आए हैं वो स्लीपर में आए हैं, देख सकते हो आप, ये वहाँ से भी आए हैं तो स्लीपर में आए हैं, क्योंकि आज किसी का पता नहीं था ना कि मतलब उड़ जाएंगे कि नहीं, रात को प्लान बनता है और सुबह बस प्लान बनता ही रहता है। ओ भैया एंट्री हो चुकी है, और एक बार नज़ारे दिखा देता हूँ आपको, ये देखिए, यहाँ से जो है तीन रास्ते जाते हैं, भूल भुलैया की तरह, ये पहला रास्ता है जो यहाँ से जाता है, एक बीच से जाता है और एक इधर से जाता है, तो हमें जो है बीच वाला रास्ता पकड़ना है, क्योंकि सीधे सेंटर पार्क में आपको ले जाएगा, अच्छी वाइब आती है, और ठंडा ठंडा, देखो सूर्य देवता भी निकले हुए हैं ऊपर, अच्छा लगता है ना यार। फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं, देख सकते हो यार यहाँ पर, अब यहाँ पर जो है ना ऐसे स्लीपर उतार देते हैं, और फिर उसके बाद घास पे इस तरह चलते हैं, उस कैसे रहेगी उस, आखिर कैसे रहेगी, आओगे तुम इतनी लेट, ये लोग उस चाट गए ये लोग उस, थोड़ी सी है तो फिर चलते हैं, एकदम घनी घास का, सुबह सुबह घास पे चलना बहुत अच्छा रहता है, क्योंकि वो आँखों के लिए भी अच्छा रहता है। देखो दोस्तों, मुझे दूर दूर तक का दिखने लग गया, अभी रास्ते में ब्लर दिख रहा था, देखा इनको बहुत दूर का नजर आने लगा, वो दीवार के आर पार का देखने लगे, साइड में कंपनी बनी है उसका नाम भी पढ़ने लग गया, देखा हरिदर्शन, अच्छा हरिदर्शन दूरदर्शन बता रहे थे पहले, दूरदर्शन को हरिदर्शन बताने लगा, हरिदर्शन दुबत्ती, ये वीडियो को स्पॉन्सर नहीं है और नाम ऐसे ले लिया है। अच्छा मोटा नहीं आया, उसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? देखिए मोटा इज वेरी मोटा और छोटा इन गोल मोटा उसको अभी, वो अभी जाएगा अपने भाई को छोड़ने, तब पीटेंगे ना बराबर मारेंगे उसे। अगर उठाना हो तो आपने टॉम एंड जेरी में वो जेरी को देखा होगा, वो जो चीज सूंघता है तो उड़ता हुआ कैसे जाता है, ऐसे ही उसके नाक के आगे मोमोज लगा दो ना, उड़ता हुआ पार्क में आ जाएगा, ऐसे जहाँ तक मोमोज जाएगा हवा से ऐसे उड़ेगा, मैं आ रहा हूँ, और आ जाएगा सीधे। अबे लोधी तू भी लगा लिया यहाँ पर राउंड, एक बहुत अच्छा पार्क है जो कि गवर्नमेंट की तरफ से बना, उसमें सिर्फ और सिर्फ जड़ी बूटियाँ हैं दोस्तों, और रात को जो है ना नाइट शो होता है वहाँ पर, नाइट शो मतलब वो लाइटिंग वाला देखा होगा जैसे अक्षरधाम में होता है, लेकिन वाटर शो कहते हैं ना, वाटर शो होता है, मतलब पानी से ना एक स्क्रीन बना दी जाती है, जैसे कि आप ना जा कर के थिएटर में देखते हैं, ऐसे स्क्रीन बना दी जाती है, पीछे प्रोजेक्टर से लाइट छूट जाती है, बहुत अच्छा होता है, और रात को देखने में बहुत मज़ा आता है उसमें। आप बोलो नीचे कमेंट में, तो मैं नीचे यार शूट भी करूँगा किसी दिन, वो जा कर के किसी दिन, क्या मैं कल ही डालता हूँ वो वाला ब्लॉग, है ना, तो लेकिन कल मैं मॉर्निंग में डालूँगा, इवनिंग वाला डालेंगे फिर उसके बाद, अभी मैं दिखा देता हूँ आपको कहाँ है, कल मैं वो वाला ब्लॉग डाल दूँगा। चलिए मैं आपको वाटर शो वाला दिखाता हूँ यार, वो किधर है ना, वो लाइट शो होगा ना दोस्तों, वो होगा इधर, ये जो आप देख रहे हो ना ब्लू ब्लू, ये जो ब्लू ब्लू देख रहे हो, इस जगह होता है पर होता है वो वाटर शो, ये जो चेयरें देख रहे हो आप यहाँ पर, ये यहाँ चेयरों पे बैठते हैं, तो यहाँ से इसे देखा जाता है, हम कल करेंगे इसे कवर, ठीक है दोस्तों। तो चलिए आप दिखाता हूँ हनी सिंह का घर, जी हाँ दोस्तों आज दिखाता हूँ मैं आपको हनी सिंह का घर, तो क्या हो रहा है ये देखो, सुबह सुबह राउंड मार के योगदान दे रहे हैं यहाँ पे खंबे के पास, कि कैसा दिखता है ये, ठीक है। अंकुर पकड़ो लाओ सर,
ये जो मेरे पीछे बिल्डिंग देख रहे हो ना आप, ये वाली, इसी में हनी सिंह रहता है और यहीं पर वो आते जाते हैं जब भी वो नोएडा आते हैं, ठीक है, तो वो यहीं इसी सोसाइटी में आता है और यहीं पर रहते हैं। यहाँ पर बोलते हैं कि इनके मम्मी पापा वही लोग रहते हैं बस, तो वो जब भी यहाँ पर शूट के लिए आते हैं मुंबई से कहीं से, तो वो यहाँ पर आके रुकते हैं नोएडा में, क्योंकि यहीं पर जो है क्या कहते हैं हनी सिंह रहते हैं। और उसके बाद कभी कभी आते जाते हैं और इंडिया टीवी में एक दो बार उनके इंटरव्यू दिए बाद में उनके, लेकिन उनके पास टाइम नहीं था इंटरव्यू में, और पोस्ट वगैरह में मैंने पढ़ा है एग्जैक्टली मेरे को पता भी नहीं है, क्योंकि इसी सोसाइटी में लोग कहते हैं यहाँ पर रहते हैं हनी सिंह, इतना मेरे को भी नहीं पता, क्योंकि यहाँ पर जो है ना एक एक फ्लैट जो है यार 7 करोड़ और 10 करोड़ रुपए का है, और यहाँ पर बोलते हैं कि सुरेश रैना का भी जो है यहाँ पर भी घर है। तो यार यही था यहाँ पर जो रहते हैं। अब चलते हैं घर की तरफ, वैसे भी बहुत टाइम हो गया, अब जल्दी से नहाना धोना नाश्ता करना है फिर चलना है, तो चलो चलते हैं दोस्तों, टाइम भी बहुत हो गया। तो यार ये लगा कैसा सोसाइटी आपको मेरे को बताना, अच्छी सोसाइटी है वैसे, है महंगी। तो दोस्त अंकुर कैसा लगा आज घूम के सुबह? मजा आया, थक गया, पर चला जाके सो जाओ। तो जो लोग नहीं आ रहे क्या उन्हें भी आना चाहिए हमारे दोस्तों में से? सुन लोग को भी आके घर जाके मस्त सोना चाहिए। चलो भाई बहुत बढ़िया, चलते हैं अब घर की तरफ।